ثبت قلبي على حب حسين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين. चेहरे इलाहाबाद में वाकया भोपतपुर की एक छोटी सी बस्ती में अरबईन के मुकद्दस जुलूस के दौरान एक बेहतरीन रिवायत देखी जाती है। ये रिवायत है शबीहे सरतौके इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पेशकश, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुसीबत और सब्र की अजीम निशानी है। अपने खानदान के बेरहमी से शहीद होने का गवाह बनने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया, शहर शहर घुमाया गया, उन्हें भारी जंजीरों में जकड़ा गया और उनके गले में तौक ओ जंजीर डाल दिया गया। यह दर्दनाक सफर सिर्फ जिस्मानी आजमाइश नहीं था बल्कि एक रूहानी सबूत था उनके पाक ईमान और सब्र का, जो उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में बरकरार रखा। तसव्वुर में यही मंजर हसी हर बार देखा है। भोपतपुर के जुलूस ए अरबईन की खास बात यह है कि इलाहाबाद में ये वो वाहिद जगह है जहां ये मुकद्दस निशानी सरतौक पेश की जाती है। ये रिवायत जो तारीख और जज्बात से भरी हुई है अपनी जड़ें बांग्लादेश में रखती है और ये शबीह इस गांव में 48 सालों से निकाली जा रही है, लेकिन सरतौक इस अजीम जुलूस में अकेला नहीं होता। इसके साथ शबीह जुलजना, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार घोड़े का निशान है, और ताजिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजा ए मुबारक का एक खूबसूरत नक्श है, भी उठाया जाता है। ये तमाम निशानियां मिलकर एक गहरा असर डालती हैं, जहां हर निशान करबला के वाकया का एक अहम पहलू बयान करता है। जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शुजात और वफादारी का निशान है, जो मैदान करबला में अपने आका के साथ उतारा गया जहाँ उन्हें अपनी कुर्बानी देनी थी। ताजिया अपनी नफीस तरकीब के साथ करबला की तकद्दस का नमूना है और शहीदों की याद में मातम का मरकजी नुक्ता है। जब ये जुलूस भोपतपुर की गलियों से गुजरता है, ये निशानियां सरतौक, जुलजनाह और ताजिया बहुत अजमत और एहतराम के साथ उठाई जाती हैं। गलियों में शहदाए करबला का नौहा गूंजता है और इन मुकद्दस निशानियों का हर एक अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम, मुसीबतों और सब्र का निशान बन जाता है। देखने वालों के लिए ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा होता है, जो उन्हें करबला के वाकयात से जोड़ देता है। शबे आशूर के ढले पे हुर का दिल बदल जाए, शहादत मौत की आगोश में जाकर मचल जाए, बंधे यह जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ पुरवा की तरफ जाता है। इस मकाम पर यहाँ के हमारे अहले सुन्नत भाई जुलजनाह पर फूलों की चादर चढ़ाते हैं, जो उनके अपने अकीदे और इज्जत का इजहार है। खड़े इस रास्ते पे हाज कासिम मुस्कुराते हैं। मातम जंजीर के साथ जुलूस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है। ताजिया को कब्रिस्तान में अदाब के साथ रखा जाता है और इसके बाद शबीह सरतौक और जुलजनाह को इमाम बारगाह सैयद रजब अली में लाया जाता है। यहाँ पर मखसूस नौहा और मातम के दौरान इन शबीह का सेहरा उतारा जाता है, पम जुलूस फिर करबला की तरफ रवाना होता है, जहां रास्ते भर सबील का इंतजाम किया गया होता है, जो तवक्को और मेहमान नवाजी का जिक्र है।
مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين جنوب القوس أرخى كي شفا گھر ساتھ لے جاؤں غم شبیر کا سینے میں نشتر ساتھ لے جاؤں فضائے عشق میں اڑنے کو دو پر ساتھ لے جاؤں جو کچھ لے نفس کو میرے وہ کنکر ساتھ لے جاؤں مقلب القلوب ثبت قلبی على حب حسین ثبت قلبی على حب حسین ثبت قلبی على حب حسین تبرک زخمی ہاتھوں سے یہ زینب نے تھمایا ہے سکینہ نے ہمیں اصغر کے کوزے سے پلایا ہے سفر میں رات بھر مہدی نے جو نوحہ سنایا ہے الہی رائے گا جائے نہ جو یہ رزق پایا ہے ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين جنوب القلوب سے ارخا کے شفا گھر ساتھ لے جاؤں غم شبیر کا سینے میں نشتر ساتھ لے جاؤں فضائے عشق میں اڑنے کو دو پر ساتھ لے جاؤں جو کچھ لے نفس کو میرے وہ کنکر ساتھ لے جاؤں مقلب القلوب ثبت قلبی على حب حسین کربلا پہنچنے کے بعد ان سبھی شبیہ کا سہرہ مخصوص الوداعی نوحے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے ثبت قلبي على حب حسين